हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज ये वीडियो बनाते हुए बड़ी खुशी सी हो रही है भाई। हमारे खास मित्र ने, आपको पता है, दिसंबर के महीने में अभी स्कॉर्पियन Z6 ली थी भाई। स्कॉर्पियन Z6 अपने आप में बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। मतलब 22-23 लाख रुपए में आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, 4x2 रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल रहा है, क्या लोगे, और जरूरत की हर चीज मिल रही है। बट अलॉय व्हील्स की कमी रहती है, ऑब्वियसली बात है। बट अलॉय व्हील्स वगैरह की ऐसी चीज है भाई जो डल जाती है। आज मैं आपको ऐसा धक्का सा सरप्राइज सा मिला है महिंद्रा की तरफ से। पहले स्कॉर्पियन Z6 इतना बिकता था ना, महिंद्रा ने देखा, भैया ये तो हम घाटे में जा रहे हैं, इन्होंने इतने सारे फीचर्स इसमें से घटा दिए हैं। अब Z6 उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके 31,000 रुपए बढ़ चुके हैं एक्चुअल रूम प्राइस पे, साथ के साथ अब आपको Z6 में पहले जो 7 इंच की TFT स्क्रीन मिलती थी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मतलब जिसमें ड्राइवर इन्फॉर्मेशन वगैरह होती थी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, वो अब हटा के 4.2 इंच की मोनोक्रोम MID डाल दिए भाई, जो मतलब बेस वेरिएंट में मिलती थी, यानी कि Z2 Z4। यार ये इतनी बड़ी कॉस्ट कटिंग है ना, इससे गाड़ी की फील ही चली जाएगी। मतलब वो जो ड्राइवर को चाहिए होती है ना सारी इन्फॉर्मेशन, अब ये वाली आपको जो Z4 में मिलती थी ना भाई, इस तरीके की MID मिलेगी, जिसको बोलते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। ये कैसी है अभी आपने देखी, वो कैसी है। इसके फॉन्ट वगैरह मतलब बहुत नकली से है। पहले कुछ भी कहो, मतलब पहले ना वैल्यू फॉर मनी वाली चीज अभी इन्होंने खत्म कर दिया। अभी समझ गए कि भैया क्या फालतू में Z6 में इतना अच्छा देना लेने वाले, जब भी लेने मतलब जो वो था ना, हाइप बन गई बस अब गाड़ी की। अब तो धड़ल्ले से बिक रही है, अब जितनी हवाबाजी करनी थी कर दी, अब फीचर घटाए जाओ, वो वाली चीज। अच्छा यही नहीं, और भी सुनो अभी, और क्या क्या कटिंग हुई है, कॉस्ट कटिंग सॉरी। इसके बाद कूल्ड ग्लव बॉक्स हटा दिया भाई, Z4 Z6 दोनों में से कूल्ड ग्लव बॉक्स सब हटा दिया है। तीसरा, जो पहले एड्रेनोक्स का फीचर आता था जिसमें अपने पता चलता था गाड़ी कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे नहीं है, GPS वगैरह, वो चीज भी हटा दी। चौथी चीज, जो पहले हम एलेक्सा वगैरह चलाते थे, हेलो एलेक्सा, ओपन सनरूफ वगैरह, वो भी अब इंफोटेनमेंट सिस्टम में से हट चुका है। अब भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फिर इसमें खुशी वाली क्या बात है। एक्चुअली भाई बात यह है, जैसे बहुत लोग सोचते हैं ना, हम तो जनवरी के महीने में गाड़ी लेंगे भाई, अगले साल लेंगे, नया मैन्युफैक्चरिंग ईयर वगैरह मिलेगा, मिलता नहीं है, मार्च तक भी पुराना 2023 रेडी रहता है। बट स्टिल भाई लोगों को लगता है, अब जैसे जिन्होंने Z6 दिसंबर तक ले ली, एक तो सस्ती भी पड़ी, ऊपर से फीचर भी एक्स्ट्रा मिले, अब ले लो भाई, क्या लोगे यार। अब वो वाला वैल्यू फॉर मनी, सनरूफ वगैरह ये सब चीजें, बट यार इतने साहब ये बहुत तगड़े तगड़े फीचर थे यार, एड्रेनोक्स एलेक्सा वगैरह बढ़िया लगता था यार इनसे। अब ये तो अब आपको Z8 और Z8 लग्जरी में ही मिलेंगे। चलो कोई नहीं भाई, लेने वाले तो अब भी लेंगे इसको, अब भी मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है भाई गाड़ी। जहाँ क्रेटा 24-25 लाख रुपए की हो गई, इसमें बढ़ गए 50,000 रुपए, तो ज्यादा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी साइज SUV 23-24 लाख रुपए में आपको मिल रही है, सही है। मेन बात भाई अलॉय व्हील्स की, इस गाड़ी में Z6 में सब कुछ अच्छा है, हमने सब कुछ करवा भी लिया बाहर से, लेकिन अब भी अलॉय व्हील्स की ना इतनी मतलब वो खटकती है यार। ये स्टील रिम और ये व्हील केप्स आज के जमाने में कोई भी नहीं चलता। देखो इंडिया में दो तरीके के कस्टमर होते हैं जो गाड़ी लेते हैं, एक होता है भाई साहब की ऐसे छपरी सी लुक बनवाली, मॉडिफिकेशन हर कोई करवाता है, एक होता है वो छपरी अलॉय व्हील डलवाली है बाहर के नकली, बस केवल हवाबाजी के लिए, दिखाने के लिए दूसरी पब्लिक को, अपनी सेफ्टी को चिंता ही नहीं, गड्ढे में चले गए कब टूट जाए पता ही नहीं, चाइनीज स्टाइल डलवाली है। एक होते हैं भाई जिनको गाड़ी ले तो लिए उन्होंने, पर उनको OEM वाली फील चाहिए, OEM वाली लुक चाहिए, बजट के कारण थोड़ा सा ऐसे था कि भाई बेस मॉडल ले लिया, नीचे वाला मॉडल ले लिया, पर वो चाहते हैं कि अपना लुक भी अच्छी बने, दूसरों को दिखाना नहीं है पर अपनी कॉम्प्रोमाइज भी ना हो, सेफ्टी वगैरह और अपनी ड्राइविंग वगैरह भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो उन्हीं का आज मैं ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरे नंबर के आज हमारे भाई जुड़े हुए हमारे साथ कस्टमर, तो इनको लेके चलते हैं करोल बाग में और ऑप्शन देखते हैं भैया क्या क्या मिल सकता है इस गाड़ी में Z6 को टॉप बनाने के लिए, अलॉय व्हील्स कैसे कैसे मार्केट में अवेलेबल है। तो चलो हमारे साथ विद प्राइसिंग बताऊंगा, लेट्स गो टू करोल बाग। तो भाई अलॉय व्हील्स ओरिजिनल के मामले में देखो, वैसे आफ्टर मार्केट तो बहुत सारी शॉप है, लेकिन ओरिजिनल की जहाँ पे बात आ गई वहाँ पे भाई हमको तो बस एक इंसान याद आते हैं भाई साहब, हमने नाम बताइए, निक्कू कार डेकोर, अब्दुल अजीज रोड करोल बाग। तो भाई इसके अंदर ये देखो भाई, ये स्टील रिम आ रही है, ये ऐसे ही निकल जाता है इसमें? हाँ, निकल जाता। अच्छा ना भाई, ये तो हमें इतनी जानना है, आप ये तो भगवान, ये भाई चल गया, जान बन रही है भाई। इन्होंने इतने व्हील कैप इकट्ठे कर रखे हैं, ये आप ये देखो व्हील के पब्लिक यही फेंक जाती है इनको। ले जाओ जिनको चाहिए, जरूरत है ना, मिल रहा है तो ले जाओ उठा के, कोई सी गाड़ी का मिल जाएगा। हाँ, जो ज्यादा क्रेटा सेल्टोस अपने पास, स्कॉर्पियो जो आता है उसका होगा, गाड़ी सवार गाड़ी का तो सब इनको फेंक जाते, कंपनी इनका भी चार्ज लेती है। पर ये तो आजकल तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ये लग के आ रहे हैं। तो ये स्टील रिम 5 मिनट वाले भाई अच्छे ही लगते हैं, वैसे 17 इंच का टायर है। आप इसमें एक तो हमारे पास ऑप्शन देखो इस तरीके, यहाँ पे आओ, एक तो भाई ऑप्शन ये रहता है, ये इस तरीके के हम डलवा सकते हैं, ये 18 इंच के वंडरर MRF के टायर, ये डीजल ऑटोमेटिक है, और एक ये आते हैं मतलब इस तरीके का आफ्टर मार्केट। बिल्कुल, क्या सजेस्ट करते हो भाई? ओरिजिनल हमारी चॉइस क्या रहती है? ओरिजिनल हमेशा से, कोई भी आपकी ओरिजिनल। तो एंडेवर में क्यों नकली डाल दिए? एंडेवर का टायर साइज मिला, घूम घूम के थक चुके थे स्कूटी पे, कहीं पे ओरिजिनल टायर था
ब्रांडेड में नहीं था। चलो चलो था क्या गड़े मुर्दे उखाड़े, ये बताओ मेरे को। देखो ऑटोमेटिक में तो ये वाले अलॉय व्हील आते हैं अपने, मैनुअल में आते हैं दूसरे वाले, ये वाले आते हैं, ये भाई ने डलवाए भाई, मतलब पब्लिक इतना पागल बनाती है कंपनी वाले, कितने को बता रहे थे भाई ये डलवा के लेके आए हैं और काम निकोबाइज करवा रहे हैं, अलॉय कंपनी से डलवा दिए, कितने को बता रहे। एक कस्टमर बोल रहे थे कि मेरे को 72,000 रुपए का अलॉय मिला था, 17 इंची 17 इंची सॉरी 72,000 रुपए। आपके यहाँ कितने का पड़ता है पूरा? 49,000 रुपए का विद कैप विद टायर वगैरह सब कुछ। नहीं ये 17 इंची का रेट है बस, अलॉय 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 17 में तेरे को जैसे ये गाड़ी है तो 17 तो टायर कंपनी से है ना, उससे बीम हटा के अलॉय लग जाएगा। और जो अपना 18 इंची में उसमें टायर एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, उसका अलॉय अलॉय का 18 इंची का रेट है 54,000 रुपए। 54,000 बस अलॉय अलॉय का रेट है, अलॉय अलॉय का रेट है। अच्छा तो क्या सजेस्ट करते हो, 17 या 18? भाई देखो वैसे ऑटोमेटिक गाड़ी तो ऑब्वियसली 18 इंच डलेगा। जैसे स्कॉर्पियो के स्कॉर्पियन की हाइट है और वो है वो बच्चा सा लगता है कि अलॉय व्हील 18 में थोड़ा लगता है कि अलॉय व्हील लगा हुआ। सही बात है यार, ये देखने को बढ़िया बात नहीं आ रही। ये देखो ये बढ़िया लगता है भाई, इसमें ये डला हो रहा है हमारा वंडर मस्त है ये। अब ये बताओ चलो अलॉय तो ये बढ़िया है भाई, और ओरिजिनल बात ओरिजिनल ही रहती है इसका, 54,000 का ये रहता है। 17 में बस वो लोग करवा सकते हैं जिनको टायर नहीं बदलवाना, बजट जिनको टायर नहीं बदलवाना है जिनको रखना है, जिनको बहुत कंपनी वाले कह देते हैं कि आपका एवरेज में फर्क पड़ेगा ये करेगा, तो ऐसे कस्टमर भी आते हैं कि भाई ये स्टॉक टायर में ही मेरा अलॉय व्हील डाल दो। उसमें ऑप्शन ओरिजिनल में दो आता है, 17 और 18। 18 में टायर चेंज करवाना पड़ेगा, 17 में कोई नहीं चेंज करवाना पड़ेगा। अच्छा लग जाएगा। तो अब मेरे को बताओ क्या सिस्टम रहता है, मान लो मैं अपनी गाड़ी में 17 लेके आया हूँ ठीक है, तो कैसे एक्सचेंज का क्या रेट चलेगा भाई? एक्सचेंज का होता है टायर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कितनी चली हुई है, कैसी गाड़ी है, टायर है, तो उसके हिसाब से एक्सचेंज में जैसे आपको किसी टायर में 2,000 रुपए का भी होता है, किसी में 5,000 का भी होता है, किसी में 7,000 का भी होता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है किस कंपनी का टायर लेने क्या। और ऐसे भी तो रहता है कितनी चला ली गाड़ी आपने। हाँ तो चलाने के बाद वही तो बोल रहा हूँ, जितनी गाड़ी चली हुई तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगा ना उसका। अच्छा तो कितना रिकमेंड करते हो कि इतने पे आके आप मतलब वो कर दोगे बढ़िया रेट? 500-700 किलोमीटर तक 1,000 1,000 से ऊपर दागती थोड़ी वैल्यू कम मिलती है, 2,000 कर देगा उसको। तो इन टायरों को भी आगे बेचती तो होंगे कस्टमर्स को नया बता के। हाँ बिल्कुल है ना। अरे मेरी बात, इतना जो टायर इतने स्कॉर्पियन बिक रहे हैं, इतने चाहे क्रेटा बिक रहा है, इतना सेल्टोस जो उतरता है टायर, तो थोड़ी ना स्टॉक में जमा करते हैं, वो भी तो लग ही रहा होगा कहीं, ये तो बिकेगा ही बिकेगा। तो फिर 18 इंच के ये वाले टायर और अलॉय और टायर बताओ कौन सा। फिर टायर मैं दोनों दिखा दूंगा आपको, C8 का भी और MRF का भी। अच्छा थार वाले है ना, थार वाले ऑल टेरेन, मजा आ जाएगा भाई साहब। चलो टायर वाले दोनों टायर का ग्रिप दिखाऊंगा, दोनों को आपको रख के दिखाऊंगा कौन आपको कौन सा समझ, दोनों टायर अपने जगह पे ठीक है, जो आपको अच्छा लगे ना कि मेरे को इसका लुक अच्छा लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है वो लग जाएगा। और अलॉय 17 भी दिखा दूंगा, 18 भी दिखा दूंगा आपको। ओके भाई जी ओके। ये भाई देखो C8 का टायर, ये क्रॉसओवर 80 थार वाले टायर ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं भाई। इसमें ये गुट्टी है, MRF का आ रहा है वो भी दिखाते हैं। ज्यादा इच्छा तो मेरी MRF की है यार, MRF की ज्यादा अच्छे लगते हैं। नीली नीली से ये है, इसमें ना ये स्टिकर से फ्री आ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी सी चीज है। अब भाई अच्छा, अब टायर्स का ऐसा रहता है भाई, जैसे ये गाड़ी है इसमें वो MRF के वंडर डल रखे हैं भाई, का टायर फट गया MRF का, स्टेपनी पे चला रहे हैं बताओ 17 इंच की पे, अपोलो का टायर है देखो, बाकी सारे 18 हैं, ये 17 चला रहे हैं एक इसमें, तो मतलब फटने को तो भाई सब फटता है, क्यूमोमो के सब फट जाता है, किस्मत का खेल है सब। अभी भाई एक बहुत सैड न्यूज़ सुनने को मिली, पूरी मार्केट ढूंढ डाली निकू भाई ने, पर MRF के टायर अवेलेबल ही नहीं है कहीं, थार वाली चाहिए स्पेसिफिकली, तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर C8 वाले डलवा ले रहे हैं। मतलब MRF की डिमांड ज़्यादा है जबकि कोई वारंटी वगैरह कुछ नहीं देते, लेकिन स्टिल लोगों का वो भरोसे वाली चीज़ है ना, कहीं ना कहीं MRF की तरफ ज़्यादा है, लेकिन चलो C8 लगवा के देख लेते हैं इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हम पे जो पहले थार थे उसमें भी MRF थे, अच्छा है MRF का टायर, बट लेट्स अलग अलग प्रोडक्ट ट्राई करने चाहिए ना, तो चलो एक बार C8 डलवाते हैं भाई से कहता हूं। लगा रहे भाई C8 ही डाल दो, ऐसा करो ओरिजिनल है भैया, जनम महिंद्रा है भैया, एक यहाँ पे लगेंगे भैया, एक यहाँ पे देखिए छेदा, एक यहाँ पे लग छेदा। और जो आपको अलॉय व्हील्स के बीच में वो महिंद्रा की कैप दिखती है ना लोगों के साथ, वो भी ओरिजिनल भाई महिंद्रा की है, 280 रुपए के लगभग इसके MRP होती है, पर ये निकू भाई के पास थोड़ी सस्ती मिल जाती है, MRP पे तो खैर नहीं मिलती है हर चीज़ करोल बाग में, बट ये ओरिजिनल चीज़ है, सारा काम जो हो रहा है ओरिजिनल, बिल्कुल ब्रांडेड कंपनी का। ये देखो भाई अब आप फिटमेंट देखो क्या लग रही है गाड़ी अलॉय व्हील्स लगने के बाद, अब बन रही है भाई, अब मतलब मैं क्या बोलता हूँ अलॉय व्हील लगवा दो गाड़ी में,
और भाई फिर लुक देखो गाड़ी की, क्या जबरदस्त लुक आ रही है। तो C8 के टायर मिल पाए भाई, और थार वाले, हमको थार वाले ही चाहिए थे ऑल टेरेन, और किसी पर जाते BF गुडरिच मतलब वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं, और MRF के थे नहीं, तो हमने भाई से कहा चलो ये C8 के क्रॉस ड्राइव ही डाल दो। मैं एक बात बताता हूँ, देखो C8 का नया टायर है, अपने सामने आइए लगवाइए रजिस्ट्री कर, माने आपके नाम से हो जाएगा ठीक है, तो 3 साल के कटने फटने की गारंटी मिलता है। अभी मेरे सामने MRF का टायर लगा, थार से उतरा हुआ टायर है ठीक है। आज मैं एक्सचेंज कराने गया तो एक्सचेंज करने में 5000 रुपया बंदा मांग रहा है, उसका टायर का काम है ठीक है। MRF में कोई कटने फटने की गारंटी नहीं आता, C8 में 3 साल के कटने फटने की गारंटी आता है। ये तो है, MRF वाले बड़े घमंडी से हैं, कहीं आप बाहर से भी डलवाओ कहीं से भी, MRF में कोई गारंटी वारंटी है ही नहीं, कटने फटने की कोई गारंटी नहीं है इसमें। अगर 3 साल के अंदर अगर कट फट भी जाता है तो टायर चेंज होगा, और दोनों मेरे को सेम ही लगता है MRF हो चाहे वो, दोनों देख सकते हो आप, उधर भी है और इधर भी है। हाँ ये देखो इसमें भाई ये MRF वंडर डले हुए हैं ऑल टेरेन, और इसके अंदर अपने ये C8 डल गए हैं। इसमें ऑप्शन दोनों है अपने पास, जिनको अगर 18 इंची नहीं लगाना है वो 17 इंची लगवा सकते हैं ओरिजिनल महिंद्रा का, तो अब बाकी जो आउटर मार्केट है तो मैं नहीं बोलूंगा लगाने के लिए। तो भाई ओवरऑल कॉस्टिंग क्या बैठती है विद टायर्स, एक ये रकम बता दो कि भाई इतना आपको लग जाएगा, जैसे C8 को हमको कितने का पड़ेंगे ये अलॉय प्लस टायर्स 58 का, ये तो अलॉय अलॉय का प्राइस हो गया ना, नहीं टायर एक्सचेंज करके, टायर वो 17 इंच के लेके अपने 17 जैसे आपकी गाड़ी से लग के आता है टायर, नई गाड़ी होता है तो उसका मैं ले लूंगा टायर और रिम, और आपको C8 के साथ और 18 इंची अलाय और विथ कैप ठीक है 58 के लगा के दूंगा भाई। ये तो बहुत अच्छी डील हुई यार। और सिर्फ अलाय अलाय लेते हो तो 54,000 रुपए का, 54 का हाँ। तो टायर का तो कोई रेट ही नहीं है, वही है वो लग गए ना, आपका भी तो 17 इंची नया टायर होता है ना। सही बात है, वो भी तो 17 इंची ब्रांडेड टायर आते हैं, MRF का आया था हाँ, लेकिन भाई ट्राई किया करो कि 1000 किलोमीटर से पहले ही आ जाओ तो और अच्छी वैल्यू आपको मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर लेट करोगे तो फिर दिक्कत होती है, फिर इस प्राइस में ना वो आ जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फिर कभी जैसे बहुत भाई आके कहें कि वीडियो में इतना रेट बताया था, वो चलने के ऊपर भी डिपेंड करता है, चलने के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखो मैं ना कस्टमर है मनीष भाई के, हमारे गाड़ी है तो मनीष भाई ने जैसे गाड़ी लेते हैं, हर कोई बंदा सोचता है कि मैं जैसे Z6 इन्होंने ली कि मैं वहीं से शोरूम से डलवा लूंगा अलॉय व्हील, तो भाई कितने के अलॉय व्हील बताए थे आपको 18 इंच के? 78,000 के बताए थे, और 17 इंच के उन्होंने 72,000 के बताए थे मुझे, 78,000 रुपीज के बताए थे कंपनी वालों ने। और निकु भाई कितना बताया आप, कितने के दे रहे हो? सिर्फ अलाय अलाय 54,000 रुपए का है, पूरा टायर एक्सचेंज करके 68 का, और देख लो और चीज वही है सेम, इसमें तो ये भी नहीं कह सकता। डब्बा पैक अपने सामने खोलो, हर चीज का डब्बा दिखाया हूं, सब चीज डब्बा पैक है अपने सामने, डब्बा खोलो, एक अलाय नहीं होता अपने पास, कम से कम ना करते करते 50-60 अलाय होते हैं, जो मर्जी उठा लो जो मर्जी लगा लो। बिल्कुल भाई, तो इसमें तो फर्क करना ही नहीं चाहिए, 78,000 देने से बढ़िया तो यहाँ पे आ जाओ तो अपना डिस्काउंट में बढ़िया काम हो जाता है। तो निको भाई किसी भी गाड़ी के जैसे OEM ओरिजिनल अलॉय व्हील्स चाहिए हो तो कहाँ पे आना है? देखो सारी गाड़ी में भाई ये तो डलते ही डलते हैं भाई की गाड़ी। देखो अगर ओरिजिनल अलॉय ओरिजिनल काम करवाना है तो निको कार्ड एक और 16/27 अब्दुल अजीज रोड करोलबाग, हमेशा खुला हुआ आपके, हमेशा खुला हुआ है। तो अब देखो भाई फाइनल लुक क्या लग रही है, पहले स्टार्टिंग में क्या लग रही थी यार स्टील व्हील के, आजकल गाड़ी बुरी लगती है यार व्हील के वगैरह के साथ, अब जिनके पास जिन्होंने बस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए वो उनके साथ चला लेते हैं, पर जिनकी भाई पहली गाड़ी हो या फिर जिनको शौक हो थोड़ा लिटिल लिटिल गाड़ियों का, उनको तो अलॉय व्हील चाहिए ही, और भाई लगते भी बेस्ट है। अब गाड़ी में देखो हमने एक्सेसरी तो आगे से मॉडिफाई करवा ली, टॉप मॉडल भाई हेडलाइट वगैरह, तो अलॉय भी डल गए, तो पूरी अब गाड़ी बाहर से एकदम टॉप मॉडल जैसी लगती है, आउट ऑफ वर्ल्ड मिरर वगैरह, अब इसको कोई नहीं बता सकता कि ये Z6 है। पर भाई जिन भाइयों ने Z6 अभी खरीद ली ना दिसंबर में, उन्होंने वेट नहीं करा जनवरी मैन्युफैक्चर्ड या ऐसे जो 24 मैन्युफैक्चर्ड, वो भाई खुश रहेंगे मौज मारेंगे अपनी Z6 के साथ, पर मुझे अब गम रहेगा उन भाइयों के लिए, मेरी आपके साथ सहानुभूति है भाई, अब जो अब Z6 खरीदेंगे मेरे ख्याल से आप तो Z4 ले लो या फिर Z8 ले लो, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेंगे भाई। अभी तक मैं खुद कहता था Z6 ज़्यादा बढ़िया है, बट नाउ यार वो डिस्प्ले सी में मज़ा नहीं है सही बताऊँ तो, वो बेस मॉडल वाली फील देता है, ऐसे लगेगा आपको 23-24 लाख रुपये में भी क्या है। तो भैया ये अलॉय व्हील है, आप भी खरीद सकते हो निकू भाई के पास जाके, और भाई इनको चलाने में बड़ा मजा आता है, कोई ड्राइविंग में दिक्कत नहीं होती, कोई वाइब्रेशन नहीं आती, क्योंकि ये कंपनी से ही ये वाले अलॉय आते हैं, और कंपनी से ही कंपनी के ही ये महिंद्रा की ऑल टेरेन टायर्स भी हैं जो कंपनी अपनी थार में लगा के देती है, तो हर चीज़ ओके है, एकदम ओरिजिनल OEM वाली चीज़ है, तो ड्राइविंग सुपर्ब हो गई है, और ज़्यादा मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, क्योंकि 17 से 18 अपग्रेड हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और थैंक यू सो मच। और एक और एक एक और चीज़ भाई, जिन भाइयों को लगता है ना माइलेज में इंक्रीज वो हो जाएगा, थोड़ा फर्क पड़ता होगा 17 से 18, भाई कंपनी के टॉप मॉडल में 18 इंच के ही आते हैं, 20-22 लगा लोगे तो लिटिल लिटिल दिक्कत आ सकती है, पर इनमें कोई दिक्कत नहीं आती भाई, आराम से टेंशन फ्री लगवाओ। चलो बाय, टाटा फाइनल।